यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई कह रहा हो भाई आइए छोड़ देते हैं बाइक पे स्कूटी पे, इतना कहेगा तो हम लोग तो हैं ये है, है ना, जवाब देने के लिए है ना। गुड, शाबाश। वुमेन हेल्पलाइन नंबर क्या है? 10 नंबर। और अगर कोई और कोई समस्या हो तो पुलिस का नंबर क्या है? 112 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? सिलाई का भी काम है। सिलाई का भी काम है और ये लोग आप बेचते भी हैं, अपने ये बेचते हैं। और आप इनके बच्चे हैं? पढ़ाई स्कूल जाता है ये? और ये मीडिया मीडिया को भेजते हैं स्कूल? तो अभी तो बड़ी हो गई है, नाम लिखवाओ। ये भी बड़ा हो गया है, कोरोना काल में कट गया था, तो फिर दोबारा लिखवाइए। कोई दिक्कत है तो बताइएगा हम लोगों को। ठीक है, मदद आपकी कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब हमारे। ठीक है भाई, जरा डीआईओ साहब से बात करके, इन दोनों की शिक्षा, इनका नाम कट गया था कोरोना की वजह से, फीस नहीं दे पाए थे, बात करके क्या करवाइएगा। क्या नाम है आपका? रजनी देवी है। आपका नाम क्या है? गणेश, गणेशा। आपका नाम क्या बेटी? प्रतिज्ञा। तो गणेश जी के नाम पे प्रतिज्ञा लीजिए कि आप आगे से इनको स्कूल भेजेंगे। स्कूल तो खुल चुके हैं, तो आप लोग पढ़ाई करना शुरू करिए। कोई दिक्कत आएगी आप इनसे। किसका चौकी क्षेत्र है? तुम्हारा चौकी क्षेत्र है ना भाई, इनका देख लेना। इनका नाम कट गया था कोरोना की वजह से, फीस नहीं भर पाए थे। तो अपनी बातचीत करके संबंधित से आप इनकी पढ़ाई का वो करिए, ठीक है? क्योंकि आप मेहनत करके अपना ये अपना सिलाई भी कर रही है, बेच भी रही है, तो ये पूरा रहेगा। वैसे ये पुलिस जो है आपकी सुरक्षा के लिए ही है, लेकिन सुरक्षा ज्यादा अभी आपको शिक्षा की आवश्यकता मुझे लग रही है, वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, हेल्पलाइन नंबर मालूम है तुमको? अगर मान लीजिए कोई कोई मान लो मम्मी को तंग कर रहा है तो कहाँ बताओगे? नहीं, इसीलिए मैं हम लोग इसीलिए आए ना, बताने के लिए आए हैं। कहाँ पे बताओगे? कौन से नंबर है? मोबाइल चलाते हो ना, जैसे कौन से नंबर है बताओगे? पुलिस का नंबर कौन सा है? 112 पे कर सकते हैं, और 1090 नंबर 1090 है, उस पर भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपको हालचाल आपका पूछेंगे। ध्यान रहे, और कस्टमर को फ्रॉड इत्यादि ना हो, इससे ये भी ध्यान रहे। ठीक है भाई साहब, मेरे ख्याल से गोंडा में ही निवासी, गोंडा के ही मूल निवासी है। गोंडा के मूल निवासी है। क्या नाम है आपका? माला जी। तो ये पुलिस फोर्स जो है निकली हुई है सुरक्षा और लोगों से जनसंवाद कायम करने कि आने जाने में या जनरल सुरक्षा में कोई दिक्कत या कहीं कोई आपका फीडबैक है, संतुष्ट हैं आप? तुम तो हुई संतुष्ट इनसे भी, इनका क्योंकि अनुभव है ना, इनके अनुभव से जानना जरूरी है, तो कुछ बदलाव प्रतीत होता है। पुलिस निकली है पूरी सड़क पे। ठीक है, सुनिए, तो बिजनेस में लोग आ रहे हैं, आराम से खरीदारी कर रहे हैं, यहाँ कोई रंगदारी मांगने वाला, फिरौती मांगने वाला, 1000 दे दो, 5000 दे दो, ऐसा कोई तो नहीं कर रहा ना? तो मेरा नंबर दे देना, ऐसा कोई फोटो सर के पास है। ये चौराहा देख रहे हैं आप, तो वहीं पे चौकी है, ये आपके चौकी इंचार्ज है। कोई बात हो तो इनको अवगत करा सकते हो, नहीं थाना भी आके आप इनको अवगत करा सकते हैं। बट उम्मीद करता हूँ कोई जरूरत पड़े ना, लेकिन तब भी कोई खतरा है, कोई रंगदारी मांगे, कोई पैसा मांगने का प्रयास करे, कोई तंग करने का प्रयास करे, तो आप वो कर सकते हैं। किसी ज्यादा कैश का ट्रांजेक्शन हो तो आप इनका नंबर चले जाइएगा, ले लीजिएगा। थाने का नंबर तो सार्वजनिक है, आप कॉल कर सकते हैं कि ज्यादा कैश है आप थोड़ा फोर्स दे दीजिए, बैंक पे लेके। ठीक है।